वकीलों के प्रति जो डर है वो डर तो हमेशा रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात। नमस्कार, मैं पल्लवी, आप देख रहे हैं MMBP आवाज। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम हमारी बात में। वैसे तो देश के नागरिकों के लिए कई सारे कानून बने हैं, लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि नागरिकों को उन कानूनों के बारे में ज्ञान हो। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उन्हें उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील इकरान शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, आजकल कानून की जो ज्ञान है, अधिकार है, लोगों को उनके बारे में नहीं पता, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है कि लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, उन्हें उन्हीं के अधिकारों के बारे में नहीं पता चल रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा विषय है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को कि लोगों को कानून में उनके अधिकारों का नहीं पता। दूसरा, उनको ये नहीं पता कि जो उनके पास अधिकार हैं वो किस तरह से पूरे होंगे और उनके सोर्सेस क्या क्या हैं। जैसे किसी को यही नहीं पता कि अगर उनके पास कोई बात होती है तो कंप्लेंट कहाँ करें, कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ है, तो इस बारे में वो अज्ञानी है वो। और बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर कानून के बारे में जानना है तो कानून के लिए सिर्फ कानून की पढ़ाई करना ज़रूरी है। हर विषय को, हर इंडिविजुअल सिटीज़न को मेरे हिसाब से कानून के बारे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि छोटी मोटी कंप्लेंट्स कैसे होती हैं, कंप्लेंट्स कैसे ड्राफ्ट होती हैं, कंप्लेंट्स कहाँ की जाती हैं और कहाँ हनन हो रहा है उनके अधिकारों का, और जब हनन हो रहा है तो वो कहाँ, कौन सा ग्रीवेंसेज है जहाँ पे, वो कौन सा वो ऐसी एजेंसी है जहाँ पे अपने ग्रीवेंसेज को रिप्रेजेंट कर सकें, तो इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक जानकारी नहीं होगी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी। तो मैं यही आपके चैनल से कहूँगा कि हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी कमी है कि लोगों को जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है वो लोगों को अवेयर नहीं करा रहे हैं। सर, अभी जैसे कोरोना काल का हमारे यहाँ पर गया है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे परेशानी हुई है, जिनके केसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हो गए, जिसकी वजह से उन्हें आगे दिक्कत हुई, उन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने उनकी मदद करने की कोशिश की, क्या माहौल रहा? देखिए, कोरोना के काल में ये तो जो हुआ, ये जो त्रासदी हुई, ये विश्व जो है, विश्व ने इसको सहा और विश्व ने देखा भी उसको। अब इस त्रासदी में लीगल, उसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो लीगल इश्यूज इतने आए उठ के, जैसे लैंड और टेनेंट के डिस्प्यूट्स हो गए, जहाँ पे किराएदार थे वो, क्योंकि हालात उनके ऐसे थे, उनके स्थिति ऐसी थी, तो उनके पास पैसा नहीं था, उनके रोज़गार नहीं थे, तो किराए देने की क्षमता नहीं थी उनकी, सर्वाइवल की दिक्कत हो रही थी उनकी, तो वहाँ। लेकिन लैंडलॉर्ड की तरफ से अगर आप बात करें तो लैंडलॉर्ड के भी बिजनेस जिनके डिपेंडेंट थे, किराए के ऊपर ज़िंदगी चल रही थी, उनको किराया नहीं मिल रहा था, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण ही जो है लीगल इश्यूज आ जाते हैं और वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे, जैसे बैंक्स ने लोन लिया, बहुत से मसले हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे बैंकर्स ने लोन लिया। अब जो लोन लेता है उस समय वो अपने हिसाब से देखता है कि ठीक है, आज 5 लाख रुपए का लोन ले रहा है क्योंकि उसकी कमाई 10 लाख रुपए की है, तो वो लोन अपने आप पे कैलकुलेशन करके दे देता है। लेकिन अगर जो कमाई 10 लाख से नीचे हो जाती है तो वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। तो लोन का ये जो कोरोना में जो हालात हुए, लीगल जो थे इशूज़ थे और लीगल जो गतिविधियां रहीं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, केसेस इतने बढ़ गए कि मल्टीसिपिलिटी ऑफ केसेस हो गए। और दूसरा, लॉकडाउन में एक और बात हुई कि वर्चुअल था जी। तो डेट्स जो थी वो वर्चुअल से चल रही थी, काम हो नहीं रहा था, तो जिसको न्याय चाहता था, जो इंसान चाहता था कि मेरे को कानून के माध्यम से मुझे न्याय मिले, वो न्याय उसको नहीं मिल पा रहा था। तो उससे कारण भी जो है इंसान हताश हो रहा था कि उसको लगता था कि मैं कोर्ट में जाऊँगा, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन वो न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कोर्ट्स VC वर्चुअल थी, तो वहाँ पे भी जजमेंट्स आ गए थे कि कोई भी एडवर्स ऑर्डर्स नहीं होगा, तो इस बेसिस पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई लोगों को। रही बात मदद की, तो हमने कोशिश की कि कन्विंस करते थे। देखिए, जब इंसान परेशान होता है तो सबसे पहले उसका मनोबल बढ़ाया जाता है,
और बीइंग एन एडवोकेट हम लोगों की एक कोशिश थी, ये प्रयास था कि हम पहले उन लोगों को जो है कम से कम एक लीगल गाइडेंस दे सके, लीगल एडवाइस दे सके। और लीगल एडवाइस उस समय उस दौर में ऐसी होती थी कि हम उनको एक तरह से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कहा जाते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुनिया झेल रही है, आप भी झेलिए, कोई बात नहीं, वक्त की बात है, जैसे ही ये हालात हटेंगे, कोरोना हटेगा, वर्चुअल कोच हटेंगी, जब फिजिकल कोच आएंगी तो आपका केस जो है जल्दी से जल्दी आएगा। तो इस उम्मीद से जो है वो उन्होंने जो वक्त था वो वक्त उन्होंने गुजारा। सर, डिजिटल प्लेटफॉर्म का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी हम जानना चाहेंगे। देखिए हर एवरी कॉइन हैज टू फेजेस। जे कोरोना की महामारी से एक चीज़ तो हमने सीखी और हमें अच्छी भी लगी, और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ों को एग्जीक्यूशन हो। हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हो, ऐसा हो, ऐसा हो, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाती और एग्जीक्यूशन करने में वो हिम्मत नहीं होती, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन इस लॉकडाउन के कारण मैंने देखा कि जो हमारी कोर्ट वर्चुअल काम की, बीइंग एन एडवोकेट जो हम देखते हैं कोर्ट में जो डेली अपीयर होते हैं, हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द 50-55% जो लिटिगेशन के जो काम है वो जो है ना वो पेटी इश्यूज होते हैं, जिसमें आपका जैसे केस फाइल किया है, नोटिसेस हैं, नोटिसेस के लिए डेट्स होनी। अब इंसान, अब हमें सपोज करो इतनी सारी कोर्ट्स हैं दिल्ली में, नोटिसेस के लिए एक वकील यहाँ से दिल्ली नॉर्थ कैंपस से या मुखर्जी नगर से वो जा रहा है साकेत अटेंड करने, सिर्फ इसलिए कि आज उसने केस फाइल किया, स्टेटस देखने के लिए कि उसके नोटिस सर्व हुए नहीं हुए। जज साहब फिर फाइल देख के बताएंगे जी नोटिस हो गए नहीं हो गए, हो गए हैं तो वेट कीजिए, नहीं हुए तो दूसरा एक और बार नोटिस कराइए। तो जो वर्चुअल का रहा, इन चीज़ों में मैं मानता हूँ कि वर्चुअल जो हियरिंग्स थी वो ज़्यादा बेटर रही हैं, मिनिमाइज काम हुआ और मिनिमाइज भागदौड़ हुई, लेकिन एफिशिएंसी लोगों की बढ़ गई। आप एक ही जगह बैठ के, और दिल्ली दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, अब सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही जगह है, वो है दिल्ली। हम दिल्ली में रहते हैं, हम उसका एडवांटेज लेते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो केरला से लोग बैठे हुए हैं, जो वकील हैं जिनको केसेस के बारे में पता है, फैक्ट्स के बारे में पता है, उन्होंने वहीं केरला से बैठे 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 फाइलिंग की, वर्चुअल अपीयर हुए तो उनको भी एडवांटेज हुआ और बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ दिस प्रोफेशन हुआ। हाँ, जहाँ मेजर इश्यूज है, जहाँ पे गवाहियाँ होनी है, जहाँ पे मेन आर्ग्यूमेंट्स होने हैं, वहाँ पे मैं मानता हूँ कि वो वर्चुअल से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है और जो एक भाव है, जो कन्विंसिंग का जो है, जो अपनी बातों को जो है सामने समझाने का जो तरीका है, वो फेस टू फेस होता है। तो उसमें वर्चुअल में और फिजिकल में सिर्फ यही अंतर आया। लेकिन मैं चाहूँगा कि ठीक है, अब जैसे हालात ठीक हो गए, जो प्रोसेस चल चुका है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है अब कोर्ट्स में, वो भी कंटिन्यू रखें, ताकि कल को ऐसी महामारी फिर से आती है तो ये चीज़ों को हम लोग पैनिक ना हो, फिर से उसको कंटिन्यूएशन फॉर्म में लाएं। और दूसरा ये कि जितने मिसलेनियस काम है, जितने भी कोर्ट्स की मिसलेनियस चीज़ें हैं, उनको वो जो है अपना वर्चुअल के थ्रू करें, ताकि डिस्पोजल जो है वो जल्दी होगा। सर, हमने देखा है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ ने इस कोरोना काल में लोगों के प्रति दूरियां जो थी वो कम करने की कोशिश की है, कई सारी रैली निकाली हैं, डोर टू डोर कैंपेन किए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो कोरोना तक सीमित थे या फिर आगे भी लोगों तक पहुंचने की ऐसी कोशिश जारी रहेगी? नहीं, कैंपेनिंग बिल्कुल की, कैंपेनिंग इन द सेंस कि जस्टिस शुड बी प्रोवाइडेड डोर स्टेप्स, ये कंसेप्ट्स के बेसिस पे ही जो कोर्ट्स का जो बाइफर्केशन हुआ, आप देखिए साकेत कोर्ट बनी, रोहिणी कोर्ट बनी, द्वारका बनी, करकटुमा बनी, रोज एवेन्यू बनी, ये सारी जो एक्सपेंशन हुआ वो इसका सिर्फ मूल मंत्र ये था कि जस्टिस शुड बी प्रोवाइडेड डोर स्टेप। लेकिन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जस्टिस शुड बी प्रोवाइडेड डोर स्टेप सिर्फ दिल्ली दिल्ली में थोड़ा ना होनी है। आप अगर पूरे देश की अगर बात करें तो आपने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बनाए? आज ये देखिए कि एक केरला से आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट में मसला लड़ना है, अपना केस लड़ना है, रिप्रेजेंटेशन लेना है, वो ऑल द वे वो पूरा केरला से जो है सुप्रीम कोर्ट आता है। तो मेरी यही मुहिम है कि हम लोग इसको एग्जीक्यूट भी करें, हम लोग सिर्फ एक पल के लिए ना करें कि ठीक है जी आज कोरोना का दौर था तो हम लोगों ने अवेयरनेस किया। अवेयरनेस के साथ साथ एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। अवेयरनेस के साथ ठीक है, आपने न्याय, आपने कानून के बारे में बता दिया कि ठीक है जी आपको कानून में ये अधिकार दिए हैं, आपके पास ये अधिकार हैं और ये एजेंसीज हैं जहां पे आप, लेकिन वो एजेंसीज में जो वर्किंग अब आपको मैंने बता दिया कि आपको कोई कंप्लेंट है आप सीधा थाने मुखर्जी थाने चले जाइए, आप मॉलटाउन थाने चले जाइए, लेकिन मॉलटाउन थाने में आप जाके जब आपकी एप्लीकेशन को कोई एंटरटेन ही नहीं करेगा या आपकी एप्लीकेशन पे कोई एग्जीक्यूशन करेगा ही नहीं, कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसमें इंक्वायरी नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, तो उस एग्जीक्यूशन फिर उसका फायदा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पास आपके पास पूरा सिस्टम होना चाहिए, वर्किंग अवेयरनेस के साथ साथ एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है।
क्या आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है, आज का जो माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए कानूनों में कुछ चेंजेस होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, लॉ का एक शुरुआत में लिखा, हर लॉ में लिखा, हर एक्ट में लिखा है कि लॉ वॉज बेस्ड, वॉज फ्रेम्ड एट द टाइम व्हेन द कस्टम एंड यूसेज इज प्रिवेलिंग अपॉन दैट टाइम। तो जब हम इसको बांधते हैं, जो कानून बना आज 70 साल पहले बना, 80 साल पहले बना, वो उस समय के कस्टम्स और यूसेजेस के हिसाब से बना, उसमें आज जो चीज़ें हैं, जो उसमें चेंजेस आज के वक्त के हिसाब से चेंजेस होने चाहिए, बनता है, मैं खुद एडमिट करता हूँ चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गए, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, और सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जब चेंज होती हैं तो कानून भी चेंज होना चाहिए। और बहुत से अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे निर्भया का आप बात कीजिए, निर्भया का जब केस हुआ तो निर्भया के केस में बेनिफिट जो है CRPC जो है उसमें अमेंडमेंट आया, उसमें अमेंडमेंट आया, IPC में अमेंडमेंट आए, चीज़ें क्या हुई, सेक्शंस नए नए सेक्शंस आए, वो सिर्फ यह है क्यों चेंज आया, वो चेंज इंसिडेंट के बाद क्यों आया, वो मैं चाहता हूँ कि वो इंसिडेंट से पहले होना चाहिए था। जैसे पूरे मीडिया में, इवन हम लोग जब मैं मानते हैं इस चीज़ को कि उसमें एक 16 साल का से नीचे का लड़का था, उसको इसी बात पे उसको मिला, उसको बेनिफिट मिल गया कि वो माइनर था, लेकिन उस कंडक्ट उसका उतना ही था, वो भी उतना ही इन्वॉल्व था, कल्पिट वो भी था, लेकिन उसको बेनिफिट मिला, तो उसमें भी बड़ा ह्यूमन क्राई हुआ। तो चेंजेस हम लोगों को पहले से करने चाहिए वक्त के हिसाब से। आज की डेट में 16 साल का लड़का है, 15 साल का लड़का, वो उसका जो माइंड सेटअप है, उसका ज्ञान हमसे कहीं ज़्यादा है, उसकी सोच हमसे कहीं ज़्यादा है, डेवलपमेंट उसका माइंड का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है हम लोगों से। तो ऑब्वियसली जो माइनर की जो कंडीशंस थी, जो एज, जो पैरामीटर्स था, वो चेंज होना चाहिए था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ये फिर विचार हुआ, हल्ले हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो इंसिडेंट अभी भी खैर स्टिल पाइपलाइन में है। तो आपके प्रश्न का सिर्फ एक ही जवाब है कि चेंजेस में एक्सेप्टेबल होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, और चेंजेस सही दिशा में होने चाहिए। सर, वकीलों का जब नाम आता है तो एक डर आ जाता है लोगों के मन में, अब क्या होने वाला है, हमें फीस देनी पड़ेगी, या फिर ये हमें न्याय मिल पाएगा या नहीं, उस डर को कम करने के लिए आपके पास क्या संदेश है MMBP न्यूज़ के दर्शकों के लिए? देखिए, वकीलों के प्रति जो डर है, वो डर तो हमेशा रहेगा, उसको मैं कुछ भी कोशिश कर लूँ वो नहीं डर हट सकता। जैसे आप वकीलों की बात करें, ऐसी मैं एडवोकेट्स की बात, उसके डॉक्टर्स की बात करूँगा, जब मैं अस्पताल जाता हूँ या कोई भी अस्पताल जाता है तो वो भी डरता है। तो चीज़ें, पुलिस स्टेशन जब जाते हैं तो आप पुलिस से डरते हैं, आप किसी मंत्री के पास जाते हैं तो उसके डेकोरम, उसके प्रोटोकॉल से डरते हैं। तो हर जगह डर है। डर का मतलब ये नहीं है, डर का मतलब से ये है, आप वो डर नहीं है, वो एक तरह से आपके अंदर एक भावना आती है कि कल को मेरे साथ क्या होगा जी। और जब वो ये भावना आती है तो वो डर में कन्वर्ट हो जाती है, कि क्या, वो ट्रस्ट की बात आ जाती है कि क्या जिसको मैं वकील कर रहा हूँ या जिसको मैंने डॉक्टर समझा है और जिसको मैं समर्पित हो रहा हूँ, जो दवाई दे रहा है या जो केस लड़ रहा है, क्या वो केस सही ढंग से लड़ पाएगा जिसको मैं विश्वास कर रहा हूँ। तो जो डर है, जहाँ पे उसका डर, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक होता है, वो डर का रूप ले लेता है। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, हमारा जो प्रोफेशन है बड़ा रॉयल प्रोफेशन है, और वकीलों को बड़ा एक ये नोबल प्रोफेशन है हमारा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एडवाइस लीजिए, आप अच्छा वकील कीजिए आप। और हाँ, ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि वकीलों का जो फीस स्ट्रक्चर है, अच्छे वकील के लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। और वकील को छोड़िए, अब जैसे डॉक्टर्स की बात, हर प्रोफेशन की बात करते हैं, तो अभी आप सपोज़ को ले कोई कंप्लेंट हो जाती है आपकी, कोई इंसिडेंट होता है, तो आप कॉन्स्टेबल पे विश्वास नहीं करोगे, आप SHO पे विश्वास करोगे। और जब आपको पता चलेगा नहीं, SHO के साथ आपके किसी जान पहचान वाले का कोई कॉन्टैक्ट ACP के पास है, तो आप कहते हो नहीं, SHO नहीं, अब मैं ACP पर जाऊँगी। वो क्या है, वो सिर्फ इसलिए कि जो एक हायर साइड पे, ऐसी हमारे प्रोफेशन में भी है कि जो वकील स्थापित हैं, जो वकील अच्छे हैं, और जो वकीलों के पास काम है, जो वकीलों ने अपना एक समाज में एक स्टेटस बना रखा है, उनके पास अगर आप जाएंगे तो फीस स्ट्रक्चर ऑब्वियसली आपका, आपको पॉकेट जो है उस हिसाब से मेंटेन भी करनी पड़ेगी, उनके एक्सपेंसेस बियर भी करने पड़ेंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, एक जो डर की बात होती है कि आप दाल मखनी जो है वो मौर्य शेराटन बुखारा की खाना चाहते हैं, और बिल जो है आप वो किसी एक ढाबे का देना चाहते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी अल्टीमेटली। लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्याय आपको मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए इस देश में, हर व्यक्ति का राइट भी है न्याय पाने का, क्योंकि न्याय, ये जो एजेंसीज बनी है, आप देखिए एजेंसीज बनी इसलिए,
वकीलों का बनना, वकीलों का एक प्रोफेशन क्यों बना? वकीलों का प्रोफेशन इसलिए बना कि वो अपना क्लाइंट का पक्ष रख सकें। पुलिस वकील की जरूरत नहीं थी, पुलिस प्रशासन अपने आप ही देख लेती कानून व्यवस्था। लेकिन आपको लगा कि कानून व्यवस्था अकेली पुलिस के हाथ में छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, इसलिए आपने कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्म किया। कोर्ट के लिए आपने एक निष्पक्ष जज का जिम्मेवारी दी कि एक जज साहब जो बैठेंगे वो एक न्यूट्रल बैठेंगे, वो ना आपको जानते होंगे ना उसको जानते होंगे, ना वो कहीं बायस नहीं होंगे, वो एक फैसला करेंगे। तो ऐसी ये प्रक्रिया चलती है। तो ये चेन बनी हुई है, इस चेन के बेसिस पे वो इसलिए बनी है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। और जो जो क्लाइंट सोचते हैं कि डर है, उस डर को हटाने के लिए ही ये न्याय प्रणाली बनी है। और न्याय प्रणाली बड़े अच्छे सुचारू रूप से काम कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि ताकि लोगों में वो डर ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इकरांत शर्मा जी। ऐसे ही तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए MMBP आवाज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात।